बाकी है, तो उसको कवर करने के लिए जो बाधा अपने सामने आ रही है वो बाधा क्या है, सबसे पहले उसको पकड़ना है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, एक मनोज मां नाम का एक व्यक्ति था, तो सुना तो वो सुना है वो कोई रेलवे की तैयारी कर रहा था कंपटीशन की, तो उस बंदे ने 5 बार मन लगा के पढ़ाई कि नहीं आया नंबर, सुनते गाना। फिर उसने देखा टीचर की दे देते, टीचर में भी नहीं आया, पढ़ाई में भी पूछता हूँ यार क्या बात है क्यों नहीं आता है। तो अब देखो आप, जब उसने कोई गुरुजन से मिला और गुरुजन के सामने उसने बात रखी, तो गुरुजी ने कहा सबसे बड़ी कमी तेरे में है यार। बोले क्या? तूने लक्ष्य बनाया था रेलवे में, फिर तू कभी जा रहा है टीचिंग में, कभी जा रहा है तू प्रोफेसर में, कभी जा रहा है तू ट्रेनर में, तो लक्ष्य तो तुमने तो चेंज कर लिया। तो बोले गुरुजी मैं क्या करूँ, मैं तो भूल गया क्या करूँ। तो उन्होंने बढ़िया राय दी कि कभी भी लक्ष्य चेंज मत करो, कभी भी लक्ष्य चेंज मत करो, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप तरीका चेंज करो। तरीका क्या समझे? तरीका चेंज करो, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तरीका चेंज करो, हे मनुष्य आपको लक्ष्य जरूर मिलेगा। क्या समझे? पढ़ने का अलग अलग तरीका है। एक मेरा मित्र का मित्र था, मित्र का मित्र वो भी दोस्त होता है। अब देखो आप, वो उसको पढ़ने का तरीका देखो क्या था। वो जब भी पढ़ता था हिस्ट्री क्वेश्चन पूछ लो, वायरस की पूरी कर ली उसने, आज वायरस है। मैंने उसको तो चेहरा तेरा जो मित्र है उसने वो आज कैसे हो, इतनी बातें कैसे आ सकते हैं, फलाने जिले में फलाना गांव में इतनी पानी इतनी नगर है इतनी जनसंख्या इतनी महिला इतना पुरुष है, हमारे याद नहीं रहता। तो उसने क्या कहा कि उसने अपनी भाषा में पढ़ पढ़ के भाषा रिकॉर्ड कर ली, किताब पढ़ रहा था कहानी के रूप में बना लिया, रिकॉर्ड कर ली, रात को सोता एक को नजर लेता क्या कहता एक को। और फिर कौन जैसे राजस्थान के चूरू जिले की बात चल रही है, तो चूरू जिले की बात चाहती चार घंटा तक वो चूरू जिले में सारी बात आ जाती है। तो क्या बोलता है वो आप माइंड है ना दूसरी तरफ ले ही बना बैठे रहो। एंड जब जो यानी कोई भी पढ़ तो पढ़ना बात अपनी भाषा में, आपकी भाषा में वो वॉइस रिकॉर्ड कर ले तो रात में एक को नजर ले। तो उसने तरीका चेंज किया, बात सुनो तरीका। कई व्यक्ति लिख लिख के याद करते हैं, कई एक बार देख लिया फोटो कॉपी छप गया दिमाग में, ये क्या फोटो कॉपी, कई पहले समझे फिर भी देख कर फिर आपके दिमाग से इस्तेमाल करें। सबको तरीकों अलग अलग होगा, तो जो तरीकों फैल हो तो दूसरा तरीकों बना लो, तीसरा बना लो, लेकिन लक्ष्य कभी मत चेंज करो, लक्ष्य कभी मत चेंज करो, ये ध्यान में आप सबको समझ में आ गई ना। लक्ष्य के प्रति सफल होना है तो तरीका चेंज करो, शैली चेंज करो, व्यवहार चेंज करो, परिवर्तनशील बनो। कहने का मतलब ये परिवर्तनशील बनो और लक्ष्य के प्रति क्या करना है आपको